ये शैतान है कौन जिसे हम लोग शैतान कहते हैं? शैतान के सताए हुए लोगों को यीशु ने छुटकारा दिलाया, उसी के लिए वो फिरता रहा ऐसा हम देखते हैं। तो ये शैतान है कौन? किसने उसकी सृष्टि की? ये शैतान संसार में कैसे आया? सबसे पहले हमें ये जानना है, यहोवा जो भी करते हैं उसके विरोध में काम करना ही इस शैतान का काम है। शैतान की क्रियाएं नष्ट हो जाएं, यीशु मसीह के नाम से, यीशु के लहू के सामर्थ्य से। तुम्हारा नाम क्या है? बालाचंद्र। बालाचंद्रन, कौन से गांव से हो? तिरुपुर जिला कांगेश्वर। ठीक है, प्रार्थना किस लिए की थी? मुझ में सारे ऐप थे, बहुत दारू पीता था, गांजा पीता था, 30 साल से इन सब की लत लगी थी, यीशु को जानता नहीं था। मेरा नाम लेने पर मैं आगे आया, लगा जैसे किसी ने मुझे छुआ और मुझे एहसास हुआ जैसे कोई साया मुझ में से निकला हो। आमीन, आमीन। छुटकारा, पाप लेकर आने वाली दुष्ट आत्मा निकल गई, खुशी की बात है। गॉड ब्लेस यू। आप किस गांव से हैं? मैं पेरमालपुरम से हूँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है रमेश कुमार। ठीक है, मैं चाहे कहीं भी रहूँ मेरे अंदर से ये सिगरेट पीने की लत जाती नहीं, बहुत परेशान रहता था। लेकिन जैसे ही यहाँ आके खड़ा हुआ तो मुझे थोड़ी सी शर्म आने लगी, बड़े बड़े लोगों से मेरा मेल जोल है, सिगरेट पीने की वजह से मेरे अंदर यहाँ पर दर्द होने लगा था। यहाँ दर्द होता था? हाँ, यहाँ पे दर्द होता था। लेकिन आज जब मैं यहाँ आके खड़ा हुआ, हालांकि मैं पहली बार ऐसी प्रार्थना सभा में आया हूँ, प्रभु ने मुझे एक बड़ा अवसर दिया, छुटकारा। हाँ, और आज से ही इस शापित चीज को छूने नहीं दूंगा, ऐसे प्रभु ने कहा। प्रभु ने छुटकारा दिला दिया। स्तुति हो, मैंने अपने जीवन में आज पहली बार प्रभु के चमत्कार को देखा है। आमेन, मेरा आमेन। शरीर पवित्र कर दिया और आज मुझे आशीर्वाद भी मिल गया। आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। प्रेरितों के काम 10वां अध्याय उसका 38वां वचन। प्रेरितों के काम 10वां अध्याय उसका 38वां वचन। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया, वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। यीशु नासरी का परमेश्वर ने पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया, वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, ऐसा कहा गया है। यीशु 2000 साल पहले प्रभु परमेश्वर मनुष्य बनकर इस संसार में आए। ईश्वर जो दिखाई नहीं देता, परमेश्वर जो मनुष्य को दिखाई नहीं देते, जो कोई देख नहीं सकता, वैसे प्रकाश में रहते हैं। मनुष्यों के लिए छुटकारा, पापों से क्षमा और आशीर्वाद देने के लिए और स्वयं की क्रूस पर बलि चढ़ाने के लिए वो मनुष्य के रूप में इस संसार में आए। तभी उन्हें यीशु मसीह ऐसा एक नाम दिया गया। उसी यीशु मसीह ने 3.5 साल सेवकाई की। उन्होंने 30 साल की उम्र में सेवकाई शुरू की और 3.5 साल सेवकाई करके क्रूस पर स्वयं की बलि चढ़ाने के लिए तैयार हुए। इस प्रकार से हम बाइबल में देखते हैं। तो इस 3.5 साल के दौरान यीशु ने कौन सी सेवकाई की? गांव में, नगरों में घूम घूम कर बीमारों को चंगा किया, शैतान के सताए हुओं को छुटकारा दिलाया, लोगों के आंसुओं को पोंछा, चमत्कार किए, ये सब हम बाइबल में पढ़ते हैं। उनके किए कार्यों को एक वचन में बहुत ही अच्छे से लिखा गया है, यीशु भलाई करने के लिए और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा। शैतान के सताए जितने भी थे उन सबको अच्छा करता फिरा, या उनके छुटकारे के लिए वह फिरता रहा।
लोगों को देखते हैं वहां जो लोग थे, कई आवश्यकताओं के लिए आते हैं, कुछ लोग पापों से क्षमा के लिए आते हैं, कुछ लोग चंगाई के लिए आते हैं, कुछ लोग छुटकारे के लिए आते हैं, ऐसी कई आवश्यकताओं के लिए लोग आते हैं। और यीशु इन सब के पीछे कौन है ये जानते थे। शैतान वही लोगों को इस प्रकार से सता रहा है। शैतान की जकड़ में फंसकर उसकी शक्ति से ये लोग जो हैं जूझ रहे हैं। उसकी जकड़ में फंसे सब लोगों को चंगा करने के लिए ही यीशु फिरते रहे। प्रभु ने मुझसे बात करके कहा कि शैतान की शक्ति, शैतान के पास एक शक्ति है, शैतान का एक सामर्थ्य है, परमेश्वर के पास एक सामर्थ्य है, शैतान के पास भी एक सामर्थ्य है। उसकी शक्ति क्या करती है, परमेश्वर का सामर्थ्य क्या करता है, ये बात हमें समझनी होगी। ये अच्छी तरह से समझकर जब हम प्रार्थना करेंगे तो इस शैतान की शक्ति से हम छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। ये शैतान है कौन, ये शैतान है कौन जिसे हम लोग शैतान कहते हैं। शैतान के सताए हुए लोगों को यीशु ने छुटकारा दिलाया, उसी के लिए वो फिरता रहा, ऐसा हम देखते हैं। तो ये शैतान है कौन, किसने उसकी सृष्टि की, ये शैतान संसार में कैसे आया, सबसे पहले हमें ये जानना है। प्रभु ने जब इस संसार की सृष्टि की, उत्पत्ति उसके पहले दो अध्याय जब पढ़ते हैं, मनुष्य की सृष्टि करने से पहले मनुष्य की सारी आवश्यकताओं की व्यवस्था की, उसके जीने के लिए जो चाहिए, अच्छा आशीर्वाद पाने के लिए परिस्थितियां पैदा की। सूर्य का प्रकाश बहुत आवश्यक है, तो सूर्य, रात में चंद्रमा, चमकते तारे, प्रभु ने जानवर, पक्षी और अच्छे पेड़ पौधे, जड़ी बूटियां, इन सब की प्रभु ने सृष्टि की मनुष्य के स्वस्थ जीवन जीने के लिए, बिना किसी कमी के एक प्रसन्न जीवन व्यतीत करने के लिए जो चाहिए उन सब की सृष्टि की। बड़ी बड़ी नदियां बनाई, सुनहरे जल की नदियां, ऐसा बाइबल में कहा गया है। ऐसे बहुत ही श्रेष्ठ संसार के सृष्टि करके कि मनुष्य बिना कमी के जिए, क्योंकि वो मेरा पुत्र है, मेरी पुत्री है, मेरी संतान है, मेरी संतान बनकर मेरे संग जीवन जिए, इसके लिए ही प्रभु ने अपने स्वरूप से मनुष्य की सृष्टि की। और उसके हाथों में प्रभु ने संसार का अधिकार दिया कि इसे तू चला, ये संसार तेरा है, इस पूरे संसार की मैंने तेरे लिए सृष्टि की है। देख कितने अच्छे सुंदर पेड़, सुंदर सुंदर फूल, तू स्वस्थ रहे उसके लिए आवश्यक जड़ी बूटियां, ये सब मैंने पैदा करके रखा है, क्योंकि प्रभु ने मनुष्यों के लिए बहुत ही सुंदर सृष्टि की है। अब मनुष्यों की रक्षा करने के लिए, उनका अनुसरण करने के लिए यहोवा ने स्वर्ग दूतों की सृष्टि की, परमेश्वर ने स्वर्ग दूतों की सृष्टि की। उसमें तीन प्रधान स्वर्ग दूत थे। प्रभु ने स्वर्ग दूतों की करोड़ों में सृष्टि की, मिलियंस ऑफ एंजल्स, करोड़ों की संख्या में स्वर्गदूत, और उनमें प्रभु ने तीन प्रधान स्वर्गदूतों की सृष्टि की। पहला है जिब्राइल नाम के स्वर्गदूत, और उसके नीचे करोड़ों की संख्या में जिब्राइली नाम से स्वर्गदूत होते, एक प्रधान स्वर्गदूत और उसके नीचे करोड़ों स्वर्गदूत। ये जो हैं परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में संपर्क बनाते हैं, परमेश्वर के पास से संदेश मनुष्यों के लिए लेकर आते हैं और मनुष्यों का संदेश परमेश्वर के पास ले जाते हैं। इस प्रकार परमेश्वर और मनुष्यों के बीच संपर्क रखने वाले संदेश लेकर जाते हैं, वो हैं जिब्राइली स्वर्गदूत। ये जिब्राइल स्वर्गदूत ही यीशु के जन्म लेने का संदेश कुंवारी मरियम को ले जाके देते हैं, यूसुफ को भी संदेश देते हैं। पुराने नियम में दानियल से मिलने के लिए जिब्राइल स्वर्गदूत आया, ऐसा बाइबल में देखते हैं। ये एक तरह के स्वर्गदूत हैं। एक और तरह के स्वर्गदूत हैं मिकाइल स्वर्गदूत, मिकाइली स्वर्गदूत, एक प्रधान स्वर्गदूत और उसके नीचे करोड़ों की संख्या में स्वर्गदूत। ये जो हैं, इनकी सृष्टि मनुष्यों की रक्षा करने के लिए हुई है।
ये योद्धा स्वर्गदूत हैं, ये युद्ध किया करते हैं, उनके हाथों में हथियार रहते हैं, इस प्रकार से पवित्र शास्त्र में लिखा गया है। और यह है परमेश्वर की सेना, परमेश्वर की सेना, आग की तरह घोड़े और रथ। इस विषय में हम राजाओं की पुस्तक में पढ़ते हैं, बाइबल में ऐसा बहुत कुछ है, अगर पढ़ेंगे तो कई घंटे निकल जाएंगे। तो ये दूसरी तरह के स्वर्गदूत हैं। दानियल के जमाने में भी हम पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं कि स्वर्गदूत युद्ध करने के लिए उतर कर आए, वो योद्धा हैं, मिकाइली वीर। एक और तरह के स्वर्गदूत हैं करूबों और साराप। यशाया छठे अध्याय में पढ़ते हैं परमेश्वर की, गीत गाकर स्तुति करते हैं, पवित्र पवित्र पवित्र, आराधना करने के लिए इन स्वर्गदूतों की सृष्टि हुई। और इनका एक प्रधान स्वर्गदूत है और उसका नाम है लूसीफर। ये नाम है, ये एक प्रधान सेवक है, इसका नाम है लूसीफर। और उसके नीचे करोड़ों की संख्या में स्वर्गदूत हैं, वो परमेश्वर की स्तुति करते रहते हैं, आराधना करते रहते हैं, पवित्र 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 बोलकर महिमा करते रहते। स्वर्ग लोक में वो करोड़ों की संख्या में हैं। यीशु ने जैसे ही जन्म लिया, इन स्वर्गदूतों ने बेतलहम में आकर स्वर्ग लोक के परमेश्वर की महिमा हो, पृथ्वी में शांति हो, मनुष्यों में प्रेम प्रकट हो, ऐसे गीत गाकर स्तुति की, ऐसा हम लूका में पढ़ते हैं इन स्वर्गदूतों ने। तो तीन प्रकार के स्वर्गदूत हैं और तीनों के प्रधान स्वर्गदूत हैं। लूसीफर नाम का जो स्वर्गदूत है वो स्वर्ग लोक में परमेश्वर के बहुत समीप है, क्योंकि वो वर्शिप लीडर है, आराधना करने वालों का मुखिया है। उसी के नीचे आराधना करने वाले सारे स्वर्गदूत हैं। उसके मन में एक आशा जागती है, सब प्रभु की आराधना कर रहे हैं, प्रभु की महिमा कर रहे हैं, मैं प्रभु के पास में ही तो हूं, मेरी आराधना करने में क्या है, मैं क्या कोई साधारण हूं, मेरे पास भी अधिकार है ना। प्रभु ने हर किसी को उनके अधिकार दिए हुए थे, स्वर्गदूतों को भी परमेश्वर ने कुछ अधिकार और सामर्थ्य दिया हुआ था, तो मेरे पास भी सामर्थ्य है, मेरे पास भी अधिकार है, मेरी आराधना करने में क्या है। एक अहंकार उसके अंदर पैदा हुआ और उसी अहंकार के साथ खड़े होकर यहोवा के विरोध में बोलने लगा, उसकी सृष्टि करने वाले परमेश्वर के विरोध में वो खड़ा हुआ। और उसके साथ कुछ स्वर्गदूत भी मिल गए, स्वर्गदूतों की कुछ संख्या, जिन्होंने उसके साथ मिलकर कोहराम मचाया, ऐसा बाइबल में कहा है। स्वर्ग लोक में ही कोहराम मचाया, एक बंटवारा पैदा कर दिया कि मेरी आराधना करो, मेरे पक्ष में भी स्वर्गदूत हैं, मेरे लिए एक बड़ी सेना है, लाखों की संख्या में मैंने स्वर्गदूत रखे हैं। उसने अपनी एक सेना बना ली, यहोवा के विरोध में कोहराम मचाया, और इसीलिए यहोवा ने उसे स्वर्ग लोक से बाहर निकाल दिया कि स्वर्ग लोक में अब तेरे लिए कोई जगह नहीं है, तो मैंने जिसकी सृष्टि की उसी के सिंहासन से ऊंचा सिंहासन बनाएगा, ऐसा कह के प्रभु ने अहंकार से भरे उस स्वर्गदूत को और उसके साथ जो स्वर्गदूत थे उन्हें स्वर्ग लोक से प्रभु ने बाहर निकाल दिया। और वही है जो बाद में शैतान बना, जिसे शैतान कहकर बुलाया जाता है। तो प्रभु ने शैतान की सृष्टि नहीं की, जो स्वर्गदूत था वो शैतान में बदल गया। और इस घटना का पवित्र शास्त्र में दो जगह पर वर्णन किया गया है, यशाया 14वां अध्याय 12 से लेकर 20वें वचन तक, यहेजकेल 28वां अध्याय 12 से लेकर 19वें वचन तक, इन दोनों जगहों पर इस घटना का वर्णन किया गया है। यशाया 14वें अध्याय के 14वें वचन में, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा, ऐसा वो घमंड से कहता है, ऐसा वर्णन किया गया है, परमेश्वर से प्रधान बनेगा, मैं ही ईश्वर कहलाऊंगा, इस प्रकार से वो कहता है। ठीक ऐसे ही यहेजकेल 28वें अध्याय के 17वें वचन में, सुंदरता से उसका मन फूल उठा था, वह अहंकारी बन गया, उसकी बुद्धि बिगड़ गई थी, ऐसा बाइबल में कहा है। और इसीलिए परमेश्वर ने उसे स्वर्ग लोक से बाहर निकाल दिया और वही बाद में शैतान बन गया। इसके कारण उसने क्या किया, परमेश्वर ने जब मनुष्य की सृष्टि की और मनुष्यों के साथ जुड़ा रहा, अदन की वाटिका में प्रभु रहकर
आदम और हवा के साथ संतुष्ट रह रहे हैं ये उसने देखा। ये देखकर उसमें बहुत ईर्ष्या हुई। परमेश्वर को दुखी करना होगा, उसने मुझे स्वर्ग लोक से बाहर निकाल दिया। इसलिए परमेश्वर जो भी करेंगे उसके विरोध में कार्य करना ही शैतान का काम रहा। यहोवा जो भी करते हैं उसके विरोध में काम करना ही इस शैतान का काम है। इसलिए बुरा करने वाला शैतान है ऐसा कहलाने लगा। वो अपने 7 करोड़ों की संख्या में स्वर्ग दूतों को लेके चला गया और वो भी शैतान बनकर दुष्ट आत्माओं के रूप में बदल गए। तो वो है कहां यदि आप पूछेंगे? स्वर्ग लोक से प्रभु ने उसे धक्का दे दिया। स्वर्ग लोक में वो रह नहीं सकता। कई बार केवल वही स्वर्ग लोक आता जाता है क्योंकि वो परमेश्वर के संग था और इसीलिए केवल परमेश्वर ने उसे अनुमति दे रखी थी। पृथ्वी पर भी वो रह नहीं सकता। पृथ्वी के सारे अधिकार मनुष्य को दे दिए। आदम को परमेश्वर ने संसार दे दिया कि तू चला, ये संसार तेरा है ऐसा कहा। इसलिए शैतान जो प्रेत आत्मा है वो शैतान स्वर्ग लोक में भी नहीं रह सकता, पृथ्वी पर भी मैं नहीं रह सकता। इसलिए उसने आकाश में ही अपना राज्य स्थापित किया और इसीलिए इफिसियो 6:12 में आकाश में क्रिया करने वाली दुष्टता की आत्मिक सेना ऐसा लिखा गया, आर्मी ऑफ द ईविल स्पिरिट। दुष्टता की आत्मिक सेना आकाश में, ये काम दुष्टता की आत्मिक सेना का है। इसीलिए स्वर्ग दूतों को हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते हैं। इसीलिए जो पहले स्वर्ग दूत था और बाद में शैतान बन गया है, हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते हैं। लेकिन कई बार परमेश्वर की अनुमति से हम स्वर्ग दूतों को देख सकते हैं। कईयों ने अपनी इन आंखों से स्वर्ग दूतों के दर्शन किए हैं और ये केवल प्रभु की अनुमति से ही हो सकता है। शैतान जो है छुपा रहता है और दुष्ट आत्माएं क्रियाएं करती हैं। कई बार ऐसा होता है कि कईयों को सपने में प्रकट होके दर्शन देकर भय पैदा करके लोगों को अपना दास बनाता है। जैसे हम लोगों ने इसका दर्शन किया, उसका दर्शन किया, वहाँ दर्शन कर सकते हैं। लोग ऐसा कहते हैं, शैतान दर्शन देकर लोगों को धोखा देता है। ये शैतान की एक क्रिया है। तो एक तरफ परमेश्वर है और उनका सामर्थ्य है, दूसरी तरफ प्रेत आत्मा यानी शैतान, उसके स्वर्गदूत और उसका सामर्थ्य। शैतान को परमेश्वर के ऊपर जो गुस्सा है उसके लिए वो विशेषकर किसके विरोध में क्रिया करता है? परमेश्वर द्वारा जिनकी सृष्टि हुई हमारे विरोध में वो क्रिया करता है। हमें धोखा देना, अंधविश्वासी बनाना, हमें दुखी करने से परमेश्वर दुखी होगा कि मैंने जिनकी सृष्टि की, मेरे बच्चे इनकी मेरे स्वरूप से सृष्टि हुई, ऐसा मानकर परमेश्वर हमारे लिए संतुष्ट होते हैं। तो हमें परमेश्वर से अलग करना है, हमें दुख पहुंचाना है, उससे परमेश्वर दुखी होगा। यही शैतान का उद्देश्य है और इसीलिए ये प्रेत आत्मा यानी शैतान मनुष्य के विरोध में काम करता है, ये अच्छे से जान लें। तो अपनी दुष्ट क्रियाएं करने के लिए अपने सामर्थ्य का उपयोग करके मनुष्य को वेदनाएं पहुंचाता है और वही है शैतान जो लोगों को सताता है। शैतान की जकड़ में फंसकर उसकी शक्ति के कारण ही लोग जूझ रहे हैं। उसकी जकड़ में फंसे सब लोगों को चंगा करने के लिए ही यीशु फिरते रहे। मेरे प्रिय मित्रों, प्रभु के वचनों ने आपसे भेंट की है। कोई ना कोई डर आपको सता रहा होगा, किसी दुष्ट आत्मा से होने वाली समस्या, ऐसे किसी न किसी प्रकार से शैतान से, दुष्ट आत्मा से क्षतिग्रस्त होकर आप लोग निराश होंगे। आज आपके छुटकारे का दिन है। प्रभु ने आपसे बात की है ना, अब हम प्रार्थना करें। आपके साथ मैं भी प्रार्थना करूंगा, प्रभु छुटकारा दिलाएंगे। यीशु ने क्रूस पर शैतान का सर कुचलकर जय पाई है। यीशु ने क्रूस पर विजय पाई है। उन्होंने क्यों विजय पाई? हमारे लिए ही क्रूस पर विजय पाई। इस पर विश्वास रख के प्रार्थना करें, यीशु का नाम बोलकर प्रार्थना करें। जोर से यीशु का नाम लेकर पुकारें, जोर से यीशु के नाम से, यीशु ऐसे पुकारें, नाम पुकारते ही छुटकारा मिलेगा। चुपचाप रहेंगे तो छुटकारा नहीं मिलेगा। यीशु का नाम पुकारें, मेरे नाम से
जो मांगोगे हो जाएगा ऐसा कहा है। अब हम प्रार्थना करें। डर, मरने का डर, आत्महत्या का विचार, मन में व्याकुलता, डिप्रेशन, नींद नहीं आती, जिन्हें ऐसा लगता है अपने हृदय पर हाथ रखें। यीशु मुझे छुटकारा दिलाओ, यीशु बोलकर यीशु का नाम पुकारें। हम प्रार्थना करें, परम पिता नासरी यीशु के नाम से तुम्हारे बच्चों के छुटकारे के लिए प्रार्थना करता हूँ। ये डर लेकर आने वाली आत्माएं, मन में व्याकुलता लाने वाली आत्माएं, आत्महत्या कराने वाली आत्माएं, रात में सोने न देकर नींद खराब करने वाली आत्माएं, ऐसी दुष्ट आत्माएं, तंत्र मंत्र जादू टोने की क्रियाएं, इन बच्चों के विरोध में, परिवार के विरोध में आने वाली उन नासूर दुष्ट आत्माओं को यीशु के नाम से मैं फटकारता हूँ। ये आत्माएं निकल जाएं यीशु के नाम से, इसी समय इनके अंदर से बाहर निकल जाए यीशु के नाम से। डर लाने वाली आत्माओं को, नींद छीनने वाली आत्माओं को यीशु के नाम से मैं फटकारता हूँ, बाहर निकल यीशु के नाम से। जो कोई भी हे यीशु, यीशु का नाम लेकर पुकार रहा है, उस हर एक के ऊपर मैं यीशु का लहू मलकर प्रार्थना करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से इन्हें छुटकारा मिले। डिप्रेशन लाने वाली आत्माओं को मैं यीशु के नाम से फटकारता हूँ। मरने का डर लेकर आने वाली आत्मा, आत्महत्या के लिए उकसाने वाली आत्मा को मैं फटकारता हूँ। तंत्र मंत्र जादू टोने की क्रियाएं भस्म हो जाएं यीशु के नाम से। इन परिवारों के विरोध में जो जादू टोना किया गया है, वो तावीज जल के राख हो जाएं यीशु के नाम से। जो धागे हैं जलकर राख हो जाएं यीशु के नाम से। दुष्ट क्रियाएं नष्ट हो जाएं। अब इनके घरों में शत्रु की कोई परेशानी ना आए। इनके घरों में शैतान की चहलकदमी नहीं होनी चाहिए। डर लाने वाले आत्मा इन घरों में घुसने ना पाए। इन घरों को, परिवारों को तुम्हारे सामर्थ्य को सौंपता हूँ। आज से ही इनकी रक्षा करना प्रभु। ऐसे डर के कारण, जादू टोने के कारण होने वाली बीमारियां, रोग लाने वाली आत्माएं, मैं उन्हें फटकारता हूँ। यीशु के नाम से बाहर निकलो दुष्ट आत्माओं। शरीर को जकड़ने वाली आत्मा, हाथों को और पैरों को जकड़ने वाले दुष्ट शैतान, बाहर निकल यीशु के नाम से मैं तुझे फटकारता हूँ। सुख चैन छीनने वाली, परिवार में दरार डालने वाली आत्मा को मैं फटकारता हूँ। आशीर्वाद चोरी करके नुकसान क्षति पहुँचाने वाली, व्यापार और कमाई को जकड़ने वाली, जादू टोने की दुष्ट आत्माओं को मैं फटकारता हूँ। वो जल के राख हो जाएं यीशु के नाम से। आज हर परिवार के लिए छुटकारा, यीशु के नाम से छुटकारा। ये सुसमाचार सुन के प्रार्थना करने वाले हर एक को यीशु मसीह के नाम से छुटकारा मिले। शत्रु की क्रियाएं नष्ट हो जाएं, नासूर आत्माओं की शक्ति नष्ट हो जाए। क्रिया करने वाले तुम्हारे प्रेम की स्तुति हो। छुटकारा दिला दिया उसके लिए स्तुति हो। जोर से कहें, यीशु तुम्हारी स्तुति हो, यीशु स्तुति हो, छुटकारे के लिए स्तुति हो। शत्रु की क्रिया नष्ट करने के लिए स्तुति हो, जय दिलाने के लिए स्तुति हो, जादू टोने की शक्ति नष्ट करने के लिए स्तुति हो, स्तुति हो, यीशु के नाम की स्तुति हो, यीशु के नाम की स्तुति हो, यीशु तुम्हारी स्तुति हो यीशु के नाम से। आमीन, आमीन। मेरे प्रिय मित्रों, प्रभु ने आपको आज बहुत बड़ा छुटकारा दिलाया है। दुष्ट आत्मा आपके अंदर से निकल गई, आपके परिवार से निकल गई, इसका आपने आभास किया है, कुछ लोगों ने देखा है। छुटकारा पा लिया, यीशु तुम्हारी स्तुति हो, ऐसा कहें। आज से ही बदलाव होगा, फिर से शैतान आपके घर में न आए। उसके लिए रोजाना प्रभु की स्तुति करके, गीत गाके प्रार्थना करें। आपके घर से स्तुति और प्रार्थना की आवाज आए। यीशु को अपने घर में पूर्ण स्थान दें। यीशु को पसंद नहीं वैसे किसी भी पाप को घर में स्थान ना दें। सावधानी से रहें, बाइबल पढ़ के प्रार्थना करते रहें। प्रभु के हाथ आपके संग रहेंगे। आपने जो छुटकारा पाया उससे मुझे अवगत कराएंगे। मैं आपके लिए परमेश्वर की स्तुति करके प्रार्थना करूंगा, प्रभु को धन्य कहूंगा। यीशु आपको निरंतर आशीर्वाद देते रहे। आमीन। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nallumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 0443545455. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.